हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्ध अगरकर। आप देख रहे सिद्ध अगरकर और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने YouTube वीडियो के फ्रंट पेज को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके फ़ोन में आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है पिक्स आर्ट। मैं इसे खोल दूंगा, ये पिक्स आर्ट है। ये ज़्यादातर काम ये थंबनेल बनाने ही में यूज़ करता है। अगर ये खुल गया है तो आपको इधर प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। वो दबाने के बाद इधर ऊपर हेडिंग आएगा स्टार्ट एडिटिंग, फिर नीचे नीचे जाएंगे हम और ड्राइंग के इधर क्रिएट न्यू, इस पर क्लिक करेंगे हम। उस पर क्लिक करने के बाद जो ऊपर एरो का ऑप्शन है वाइट कलर में, उस पर क्लिक करेंगे और नीचे लास्ट ऑप्शन है एडिट इमेज, उस पे। उसके बाद जो है मैं इधर एक ब्लैक पेज अप्लाई कर दूंगा। सबसे पहले जो मैं हूँ इसको स्क्वायर इसमें कर लूँगा। ओके, स्क्वायर इसमें हो गया है, राइट। ओके, स्क्वायर इसमें होने के बाद मैं इसमें ऐड फोटो करूँगा। तो मैं इसमें ऐड ये वाली फ़ोटो करूँगा, ऐड वन। तो फिर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँगा, यानी पूरा बड़ा कर दूँगा। ये होने के बाद इसके एडजस्ट आपको जो करना है, बॉर्डर करने की मुझे कोई गरज नहीं इसकी, तो राइट कर दूँगा। ओके, राइट। ओके, होने के बाद मैं एक और ये एडिट करूँगा फ़ोटो, वो है इस टैंक का। ऐड करने के बाद मैं इसको जो है साइड में कर दूँगा, इस फ़ोटो को कुछ इस साइड में मैं इसको स्क्वायर में बना दूँगा। ऐसे कर लूँगा कुछ इसे, कुछ इस तरह से, हाँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसमें जो है बॉर्डर कर लूँगा। इसके पहले जो मैं इसको जो मैं कटआउट कर लूँगा, कि मुझे सिर्फ टैंक चाहिए, तो मैं इतना पोर्शन कटआउट कर लूँगा। अब मैं इस पे ऊपर का बटन दबा दूंगा। अब जो है मैं इसे अच्छे से काट लूंगा, ये अच्छे से काट लूंगा, क्योंकि जो बारीकियां है वो नज़र नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं इसमें टाइम लूंगा इसे काटने में। तो जो है मुझे इसको अच्छे से काटना होगा। ये जो आप तो डॉट देख रहे हैं, वैसे भी डॉट नहीं आने चाहिए। पहले मैं टैंक का आउटलाइन कर लूँगा और फिर बाकी का सारा इरेज कर दूँगा। ओके, अब ये हमारा तैयार है। तो अब मैं इसे अच्छे से बीच में से काट लूँगा और जो एक्स्ट्रा भाग है उसे वापस ला लूँगा जो हमें चाहिए। अभी मैं इसको सेव कर दूँगा, एक बार देखते इतना आएगा तो मैं इसको सेव कर दूँगा। ओके, ये मेरा टैंक का स्टिकर तैयार है। अब इसको मैं कुछ ऐसे लगा दूंगा। अब जो है इसको बॉर्डर कर देते हैं, कुछ अच्छी बॉर्डर करेंगे इसको, ये वाली करें। मुझे ये कलर पसंद आ रहा है, मैं इस कलर के इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम कर देता हूँ। ओके, इसको राइट कर दूंगा। ओके, अब मैं इसके बाजू में एक और फोटो डालूंगा। ये है मेरी फोटो। ओके, अब मैं इसको भी कटआउट कर लूँगा, मुझे सिर्फ मेरा फोटो चाहिए, बाकी कोई कुछ नहीं चाहिए। ओके, अब मैं इसको सेव कर लूँगा। तो ये जो स्टिकर है मेरा
इसको थोड़ा सा आड़ा कर दूंगा मैं। ये डन। अब मैं इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखूंगा वो है मैं पहले इतना सिलेक्ट कर लूँगा, फिर जो हम इसका फॉन्ट देख लेंगे। इस आपको जो इतने इतने डिफरेंट टाइप्स में आपको इसकी मिलेंगे, तो मैं इसको इसमें सेट करूँगा मैं इसको। और फिर मैं इसका कलर लूँगा, वो लूँगा मैं कुछ इस तरह का, इसके ऊपर डाल दूँगा मैं। लेट्स सी इनसाइड, और फिर इसको डन कर दूंगा। एक बार और करेंगे हम, इस पे लिखेंगे टैंक कलर। पहले मैं ये से टैंक, और फिर इसके कलर ब्लू नहीं लूंगा मैं, रेड भी नहीं लूंगा मैं इसमें जाऊंगा कलर व्हील में। मैं ये वाला कलर ले सकता हूँ, हाँ ये वाला पसंद है मुझे। ओ सॉरी। ओके राइट। ब्लेंड कर दूंगा मैं इसको थोड़ा ज्यादा कुछ ऐसे बराबर। तो ये तैयार हो गया है हमारा पिक्चर, जिसे हम थंबनेल भी बोलेंगे। फिर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा एरो के ऑप्शन पे। क्लिक ओके। गैलरी में डालेंगे अब हम। सेव टू गैलरी ऊपर आ गया है, और डन।